back to my show Tea with Vaishnavi, Refreshments for the Soul. Tea with Vaishnavi, Refreshments for the Soul में एक बार फिर आपका स्वागत है. आज का विषय है इंसान की चार गहरी जरूरतें. इस विषय पर आज हम डिस्कस करेंगे बाइबल के द्वारा. इंसान की चार गहरी जरूरतें वो है अपनापन, अस्तित्व, सुरक्षा और उद्देश्य. इन चार क्षेत्रों में अगर थोड़ी भी संतुलन यहां से वहां हो जाए तो इंसान बहुत निराश और संघर्ष से गुजरता है, अपने मन में, अपने प्राण में और अपने इमोशंस में, और उसे मदद की जरूरत पड़ती है. सबसे पहले हम देखेंगे अपनापन. अपनेपन में अगर थोड़ी सी भी कमी रह जाए तो इंसान बहुत अकेला महसूस करता है. उसे ऐसा लगता है कि कोई उससे प्यार नहीं करता और वो हमेशा रिजेक्शन से गुजरता है. चाहे कितना भी लोग उसे उत्साहित करे, सहारे, बट उसे ऐसा लगता है कि उसमें हमेशा कोई कमी है, क्योंकि उसे लोगों का प्यार नहीं मिला और सबसे बड़ी बात उसे परमेश्वर से उसने प्रेम नहीं पाया है. तो ये बहुत बड़ी समस्या हो जाती है एक मनुष्य के जीवन में. बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं जिसे हम कहते हैं कि रिलेशनल प्रॉब्लम्स, रिश्तों में प्रॉब्लम्स, दूसरों से रिलेट करने में प्रॉब्लम्स, खुद को भी प्यार करने में प्रॉब्लम, खुद में ही इतनी सारी खामियां दिखती हैं, खुद में ही इतने सारे डिफेक्ट्स दिखते हैं कि मनुष्य खुद से भी प्यार नहीं कर पाता क्योंकि उसे दूसरों से एक्सेप्टेंस नहीं मिला है. कई बार माता पिता से एक्सेप्टेंस नहीं मिलता बच्चों को, कई बार स्कूल में टीचर से या फेलो स्टूडेंट से नहीं मिलता, कई बार फ्रेंड से रिजेक्शन मिलता है, तो कई बार कलीग से. और आई थिंक आज की डेट में जितने भी प्रॉब्लम्स और समस्याएं सोसाइटी में हैं, आधे से ज़्यादा इस कारण है कि अपनापन ना होने की वजह से लोग बहुत सारे इमोशनल प्रॉब्लम्स से गुजरते हैं. लेकिन एक योहन्ना 4:9-10 परमेश्वर का वचन बाइबल कहता है कि परमेश्वर ने अपने प्रेम को हमारे प्रति इस तरह प्रदर्शित किया कि उन्होंने अपना एकलौता पुत्र यानी कि यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा ताकि उसके द्वारा हम जी सके. ये प्यार है, ये प्रेम है, ना कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया बल्कि उन्होंने हमसे प्रेम किया और अपने पुत्र को भेजा एक बलिदान के रूप में हम सबके पापों की क्षमा के लिए. परमेश्वर का प्रेम जो इसे पाता है, उसके अंदर जो रिजेक्शन है, जो खालीपन है, अपनापन ना होने की वजह से वो भर जाता है. परमेश्वर मनुष्य जाति से बहुत प्रेम करता है और बाइबल में लिखा है कि उन्होंने हमें अपने स्वरूप में बनाया, पूरे पृथ्वी को और बाकी जीव जंतु को अलग बनाया और हम सबको, मनुष्य जाति को अपने स्वरूप में बनाया. तो हम गॉड के लिए बहुत स्पेशल है. मनुष्य की दूसरी सबसे अहम जरूरत, अस्तित्व. अस्तित्व ही एक ऐसी चीज है जिसके ना होने से मनुष्य परेशान हो जाता है, अपनी पहचान खोजता रहता है और इस पहचान के चक्कर में आज की डेट में मनुष्य जूझ रहा है, भाग रहा है, एक ऐसी दौड़, एक ऐसी रेस जिसका ना कोई अंत नहीं है, जिसका ना सर है ना पैर है. और भागम भागम दौड़ी में भी कई बार उसे वो नहीं मिलता जिसे वो खोज रहा है, क्योंकि हम गलत जगह, गलत चीज़ों में अपना अस्तित्व ढूंढते हैं. कई बार जन्म से ही मनुष्य के पास उसका अस्तित्व नहीं होता, उसे समझ में नहीं आता है कि उसका अस्तित्व क्या है. लेकिन मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ पवित्र शास्त्र बाइबल से. अस्तित्व के बारे में बाइबल में ये वचन है, योहन्ना 1:12 में, उन सबको जिन्होंने उसे स्वीकारा, उन सबको जिन्होंने उसके नाम में विश्वास किया, उसने अधिकार दिया कि वो परमेश्वर के बच्चे कहलाए, पुत्र कहलाए. परमेश्वर ने जब आदम और हवा को बनाया था तो वो परमेश्वर के बच्चे थे क्योंकि पाप ने अभी प्रवेश नहीं किया था.
लेकिन जैसे ही पाप आया वो अपने स्थान से गिरे, उन्होंने वो स्थान खो दिया जहाँ पे उनको अधिकार था कि वो अपने आप को परमेश्वर के बच्चे कहलाए, पुत्र कहलाए। लेकिन ये चीज़, ये अधिकार जो शैतान के द्वारा, जो पाप के द्वारा खो दिया गया था, वो वापस उन्होंने पाया, यानी कि मनुष्य जाति ने पाया यीशु के बलिदान के द्वारा क्रूस पर, ताकि फिर से हम अपने अस्तित्व को, हमारा सही असली अस्तित्व ये है कि हम परमेश्वर के बच्चे हैं। हमारा सही असली अस्तित्व हमें परमेश्वर के अंदर ही मिलता है, बाहर नहीं। तो परमेश्वर के अंदर रहना मतलब विश्वास करना, और उसके द्वारा हम उसके बच्चे कहलाते हैं। सो मच कि आज आप सब इस एपिसोड में जुड़े। अगले हफ्ते तक अलविदा। लेकिन अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट्स में शेयर करना मत भूलना कि आपको कैसा लगा। गॉड ब्लेस यू, हैव अ ग्रेट ग्रेट वीक अहेड।